रहा है, मेरा जीवन सफल बना। जाने का रास्ता किधर से है? पांच बजे बंद हो जाता है क्या बेटा? बंद करके चले। अभी खुला है कि बंद है? अंदर बंद हो गया होगा, है ना? चलो कोई भी। तो ये फ्रेंड्स आप देख लें कि हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, ये महाराजा छत्रसाल की समाधि स्मारक है, और यहाँ से जाने का रास्ता है, ऊपर की तरफ जाना है। चलो ऊपर तक तो चलते ही है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कुआं है, बहुत पुराना, जर्जर हो चुका है। पहले यहाँ आ जाते तो मिल जाता, वो उस वाले में वो नहीं, गेट ही नहीं है, जो वहाँ घूम सकते हैं। रात में इसका टाइम, इसमें भी अंदर कौन सा कुछ होता है, समाधि स्थल में क्या होता है, वही तो बस। लेकिन कुछ नहीं, गेट ये फ्रेंड्स यहाँ से गेट है, यहाँ से हमें जाना होगा। जैसे रानी का समाधि स्थल था वैसे ही है, बस चलिए घूम के चलते हैं। पूरा जर्जर हो चुका है ये भी। कोई गांव है? काफी ऊंचाई पे बना हुआ है पहाड़ में। आगे ये 100 फुट ऊंचाई पे बना हुआ है। 100 फुट होगी और के नीचे से 100 फुट नहीं होगी। ज्यादा ही होगी, 100 से 500 फुट। ये क्या चीज है? 500 फुट ऊंचाई पे बना है। हो तो बहुत कम आती, ये भी किसी का होगा समाधि। राजा के बगल में कोई सैनिक का होगा। कुछ नहीं है अंदर, देखो यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए कि वर्तमान में हम महाराजा छत्रसाल का जो समाधि स्थल है, जो स्मारक है, उसमें हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और लगभग जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो स्मारक हैं, उन सभी को हमने आपको दिखा दिया है। और अभी हम लेट हो चुके हैं, इसलिए जो महाराजा छत्रसाल का जो समाधि स्थल है वो बंद हो चुका है स्मारक, और इसको हम नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन बाहर का जो ओवरव्यू है वो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है स्मारक है, और यहाँ से चारों तरफ का कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। 500 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो धुबेला का जो म्यूज़ियम है, धुबेला म्यूज़ियम, उसकी सीरीज़ में हम आपको इतना ही दिखा पाए हैं। और मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें हैं, और जैसा कि म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम में यही सब चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें जो रखी हैं, कहीं समाधि स्थल हो गया, कहीं राजाओं के कपड़े हो गए, शस्त्र हो गए, अस्त्र हो गए, ये सब चीज़ें ही आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो शस्त्रागार है, जो वो टूट फूट गया है और काफ़ी पुराने हैं, तो उनको एक ना एक दिन टूटना तो है ही, अगर उनकी मरम्मत नहीं होगी।
तो वर्तमान में यही हाल है, टूट गया है। अब जब सरकार उसकी मरम्मत कराएगी तो फिर कभी आपको दिखाएंगे जो भी शस्त्र हैं उनको। ये फ्रेंड्स एक खास बात बताना ज़रूरी है आपके लिए कि आप यहाँ पर देखें कि ये जो दिख रहा है स्मारक, ये महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल है और उसके बगल से एक छोटा सा स्मारक है जो आप ये देख रहे हैं। ये उनका जो घोड़ा था उनका नाम था भले भाई की है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि समाधि महाराजा छत्रसाल के जो प्रिय घोड़े भले भाई की है। महाराजा छत्रसाल की अंतिम यात्रा के बाद घोड़े ने भी शरीर त्याग दिया था, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्मारक में जो आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये बगल से जो एक छोटा सा स्मारक बना है ये किसका है, तो अभी हमें मालूम चला है कि ये एक जो प्रिय घोड़ा था उसकी समाधि स्थल है। तो यहाँ पर देखिए कि एक जो महाराजा छत्रसाल है उनको जो घोड़ा था उनका एक अपना लगाव था, उनका अपना एक जुड़ाव था। तो फ्रेंड्स यही है जानकारी यहाँ पर जो हमने आपको दी है, और वर्तमान में हम धोबेला म्यूज़ियम में हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम ये वीडियो की जो प्रक्रिया है खासकर धोबेला म्यूज़ियम की उसको ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों के साथ में शेयर कर